हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वोकल ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री का, दैट इज पेपर टू का, दैट इज मैक्स टू, उसका पेपर टू आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो रबर पेंसिल इरेजर निकाल लीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पेपर टू। उससे पहले एक और काम करेंगे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो समझेगा आपको, आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे लेकर की सीधा सेट स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, आप देखेंगे तो मैं इसके अंदर बेसिक समझाऊंगा आपको, तो बेसिक के अंदर अपना सारा क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं अपना पेपर टू। तो मैक्स टू का पेपर नंबर टू करेंगे हम लोग, बहुत इजी है, लास्ट तक बने रहना है आपको, लास्ट तक का दो तीन चार पार्ट चलाएंगे इसके अंदर, लेकिन बहुत जबरदस्त समझ में आ जाएगा। एक पार्ट भी समझ लिया अच्छे से ना, तो आपका तीन चार पार्ट तो निकल जाएगा आराम से। इसका क्वेश्चन नंबर वन, अगर क्वेश्चन नंबर वन आप देखो, क्वेश्चन नंबर वन ए, वो क्या रहते हैं इन लोग का, चूज द, मतलब एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यूज। अब इसका पहला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, ठीक है, डैश लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। अभी राइट ऑन द, अभी तो जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखो कार्टेशियन सिस्टम होता है, एक कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम में ये होता है 0, 0, ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस, याद रखना अच्छे से, ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये भी अच्छे से याद रखो, ठीक है। यहां पर होते हैं पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी पॉजिटिव रहेंगे, ये नेगेटिव रहेगा आपका -3, -4, -5, ये भी नेगेटिव रहेगा -1, -2, -3, -4। अब इसमें बोला हुआ है कि राइट साइड, राइट मतलब इस साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में अगर हम लोग जाते हैं, ओरिजिन के राइट साइड मतलब ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन के कहीं भी राइट साइड में अगर आप जाएंगे, कोई भी राइट साइड में, कितना जाने बोला उसने, ओरिजिन के लाइज साइड मैंने बोला तो क्या, हाँ, लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अगर आप लोग राइट साइड में जाते हो, एक्स एक्सिस के राइट साइड में अगर तुम जाएंगे, तो देखो हम लोग अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं तो पहले एक्स आता है, बाद में वाई आता है, समझ गए ना, पहले क्या रहेगा आपका एक्स, बाद में क्या रहेगा आपका वाई रहेगा। अगर हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर है बेटा, तो वाई का तो कुछ है ही नहीं ना, तो वाई तुम्हारा हमेशा एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये बात क्लियर रखो अच्छे से कि एक्स एक्सिस जब रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो रहता है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जीरो रहता है, समझ गया ना, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स इज इक्वल टू जीरो रहता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई इज इक्वल टू जीरो रहता है। कुछ बात है, बहुत जरूरी बात है, जो 12th 11th के अंदर बहुत काम आती है ये, ठीक है। तो एक्स कॉमा जीरो, अब आपको ऐसा कोई पैटर्न ढूंढना है जिसमें वाई में क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, और x तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि राइट साइड में बात की गई है, ये हो गया राइट साइड और ये तुम्हारा है लेफ्ट साइड है, इसीलिए, समझ गया। अब ऑप्शन में देखो तो पहले -2, 0, 0 है, लेकिन -2 तो नहीं चलेगा, 0, 2 ये तो चलेगा ही, लास्ट एक डी वाला ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, 2, 0, तो तुम्हारा डी ऑप्शन रहेगा 2, 0, क्योंकि ये भी 0 होगा, 2 तुम्हारा पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या रहेगा, समझ में आ गया ना, इसका आंसर रहेगा डी, दैट इज 2, 0। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो बना लेते हैं, ठीक है, क्या पी क्यू आर बोला हुआ, फिर बोला हुआ हाइपोटेनस पी आर, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं बेटा, जो 90 डिग्री के सामने रहता है, तो वो पी आर दिया हुआ आपको, तो ये क्यू रहेगा तुम्हारा, याद रखना अच्छे से, हाइपोटेनस के सामने वाले को, 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले हमेशा क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। इसमें बोला हुआ है कि हाइपोटेनस पी आर 12 है, ये आपका 2L है, और पी क्यू मतलब ये आपका 6 है, आपको बोला है कि एंगल पी बताओ क्या रहेगा, व्हाट इज दिस। अब ये इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना, तो कैसे करना रहेगा, एक थ्योरम होता है बेटा, इसमें बोलते हैं 30, 60, 90 थ्योरम। अब मैंने आपसे वादा कि आप लोग को समझाऊंगा, तो ध्यान से देखना, 30, 60, 90 थ्योरम क्या रहता है, उसका हम लोग उसका पूरा वो जानते हैं, तो पहले इसको इरेज कर देता हूं, इतना देख लो, फिर 36 सेकंड क्वेश्चन समझाने के इरेज करना पड़ेगा। 36, 90 थ्योरम ध्यान से देखना, समझो आपके सामने एक बड़ा 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये 90 डिग्री है, समझ गए, और उसमें से एक एंगल तुमको दिया हुआ है 30, तो एक कितना रहेगा समझो, नहीं पता ये, तो कैसे करेंगे हम लोग, बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी और सी, एंगल बी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री,
एंगल ए इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, तो एंगल जो सी रहेगा वो कितना रहेगा, एंगल सी रहेगा आपका बेटा 60 डिग्री ना, और रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर हम लोग ट्राइंगल की किसी भी एंगल को सम करते हैं, पूरे एंगल को आप प्लस करेंगे तो हमेशा कितना आएगा आपका 180 डिग्री आएगा, अगर प्लस करेंगे तो ये 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 प्लस 60 डिग्री हो गया। ये सब चीजें हम लोग नौवीं के अंदर करते थे बेटा, प्लस करके सॉल्व करके निकालते थे। अभी हम लोग को इसका एप्लीकेशन सीखना है कि मेन हम लोग सीखते क्यों थे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाय 30 60 90 थ्योरम। ये थ्योरम बड़ा आसान नहीं है, आसान नहीं है, ऐसे देखना पड़ेगा आपको कैसे करेंगे। ये हो गया आपका 60, अभी 60 अब ध्यान सुनना, 30 के सामने वाला जो साइड है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट 30 दैट इज क्या है आपका बीसी, वो हमेशा आधा रहेगा किसका, हाइपोटेनस का। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री दैट इज बीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, and what is your hypotenuse is AC, therefore 30 के सामने वाला जो साइड है आपका, 30 के सामने वाला जो साइड है वो हमेशा hypotenuse का आधा रहेगा। अगर आपका hypotenuse है 10 तो हम लोग इसके अंदर क्या कर देंगे, half multiply by 10, solve करने पर कितना आ जाएगा 5, अगर ये है आपका 10 तो ये हो जाएगा 5, ये 4 तो ये 2, ये 1 तो ये 0.5, ये 7 तो ये 3.5, ये 9 तो ये 4.5, तो रिलेशन कैसा रहेगा इन लोग का आधा का। एक और बात जानो अच्छे से बेटा, एक और बात अपने जहन में डालो कि अगर ये बीसी है, अगर ये अगर आप लोग देखो इसको, अगर मैंने ठीक इतना समझ लो, समझ में आ गया इतना अच्छे से ना, अच्छा अगर ये रहेगा 10 तो ये कितना रहेगा 20 रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनस का आधा ही होता है, तो अगर ये कुछ रहेगा तो उसको डबल लेंगे ना हम लोग इसको, सिंपल सी बात है ना। एसी क्या है, एसी हाइपोटेनस है, तो बीसी उसका आधा होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा इस रूल के हिसाब से, तो अगर ये 10 है तो ये 5 रहेगा, तो अगर खुद बीसी अगर 10 दिया हुआ है या 15 दिया हुआ है 30 दिया हुआ है तो उसका डबल तुम्हारा क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा, समझ अच्छे से ना। उसके बाद साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, अब अगर कोई साइड अपोजिट है किसके बेटा 60 डिग्री के, दैट इज क्या है वो ए बी, तो वो जो रहेगा वो रूट 3/2 होता है हाइपोटेनस के, दैट इज नॉट हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, इट विल बी रूट 3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, दैट इज रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 5/3, तो व्हाट विल बी योर ए बी, योर ए बी विल बी 5/3, ठीक है ना, समझ लीजिए ना। तो अगर 60 के सामने वाले साइड की बात करेंगे तो हमेशा हाइपोटेनस का रूट 3/2 रहता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझा होगा थोड़ा समझा होगा स्कूल के अंदर क्लासेस के अंदर, तो आपको अभी इंशाल्लाह पक्का समझ आएगा। अभी इसका थोड़ा सा और डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं ना, हमारा चैनल बनाए क्यों है, ताकि आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जा सके। अब एक और ट्राई कर लेते हैं, ध्यान से देखना बहुत काम आएगा, टॉपर भी देख रहे हैं तो भी ध्यान से देखना बेटा, एल एम एन, अगर मैं बोलता हूं ये 8 है, इसकी तरह क्वेश्चन देते हैं ना, एक 8 है और ये आपको दिया हुआ 12, तो कैसा निकालेंगे, और कुछ नहीं दिया हुआ आपको तो कैसा निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ये देते इसको 6, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से एकदम दिमाग लगा के देखो, तो ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये क्या है हाइपोटेनस, और ये तुम्हारा 6 है, तो रिलेशन आप लगा रहे होंगे कि ये तो हाइपोटेनस का आधा हो गया, जो MN है वो हाइपोटेनस है और ये जो साइड है क्या उसका आधा हो रहा है, मतलब क्या, अगर ये आधा है इसका मतलब इसके सामने वाला जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा ना बेटा। अभी तो हमने पढ़ा है सब चीजों को, हमने यही तो पढ़ा है कि 30 के सामने वाला जो साइड रहता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है, तो अगर पहले से आपको आधा दिया तो आप समझ सकते हैं ना सुखी तुम्हारा कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो तुम्हारा बचा कितना 60 डिग्री, क्या रहेगा इसका एंगल सम प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे किस तरह, हम लिखेंगे इस तरह, इन ट्राइंगल एल एम एन, एंगल एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको बोला है कि जो एम एन है वो कितना आपका 12 है, 12 यूनिट,
और जो आपका एल एन है वो कितना आपका 6 यूनिट, ठीक है। फिर आपने अभी बोला कि जो एंगल एम है वो कितना है, एंगल एम कितना होगा तुम्हारा 30 डिग्री, तो रीजन क्या रहेगा इसका, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम, समझ गया ना, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम से तुम्हारा एम कितना होगा 30 डिग्री हो गया, क्योंकि वो हाफ वाले के सामने वाला एंगल था, जिस तरह 30 के सामने वाला साइड हाफ होता है ना, उस तरह हाफ वाला साइड उसके सामने वाला एंगल 30 डिग्री रहेगा। फिर एंगल एन कैसे करेंगे, एंगल एन इज इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन क्या रहेगा इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सिंपल, समझ गया ना। तो अब फिर से अब समझ लिए, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आपको इसके अंदर बोला हुआ कि एंगल पी बताना है कितना, आपको एंगल पी बताना है कितना है। तो ध्यान से देखो, ये हाइपोटेन्यूज तुम्हारा 12 है और तुम्हारा ये 6 है ये वाला साइड, तो इस साइड के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला, ये तुम्हारा फिर कितना बताओ जरा 30, तो अगर ये 30 है ये 90 तुम्हारा कितना रहेगा 60, तो आपका एंगल पी कितना है बेटा 60 डिग्री है। ये मेन रीजन है आपका एमसीक्यू से, तो मैं आपको सॉल्व करके यहां बताया हूं, यहां आपको समझा दिया मैं, समझ गए अच्छे से ना, पक्का समझ में आ गया अच्छे से ना, हाँ वेरी गुड। तो 30 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहा था, तो जरूरी नहीं कि हमेशा बेटा पढ़ो ना तो उसका कुछ ना कुछ तो और सोचने का बेटा, उसका काउंटर सोचने का, उसका अपोज सोचने का, कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तब तुमको समझ में आएगा। खाली रट्टा पढ़े क्या मतलब, अभी हम लोगों ने ये पढ़ के रखे हैं, इसका उल्टा भी तो क्वेश्चन आ सकता है, एंगल के हिसाब से साइड हाफ है तो साइड के हिसाब से एंगल भी वैसा होगा, समझ गए। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा जो आपका है वो क्या आपका 3/5 है, आपसे बोल रहा है कॉस थीटा बताइए कितना है, तो कॉस थीटा के ऑप्शन दिए हुए 1/5/3 और 4/5/4 4/5, तो इसको भी समझाने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको पहले देख लो अच्छे से, मैं इरेज करता हूं उसको। तो साइन थीटा आपको कितना है 3.5 दिया हुआ है, तो आपकी एक आइडेंटिटी याद रहेगी बेटा, एक आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। If you want the detail and explanation of this lesson, of trigonometry lesson, अगर आपको इसका description चाहिए तो आपको comment करना पड़ेगा। मैंने lesson number 1, lesson number 2, मतलब similarity और lesson number 2 Pythagoras theorem, ये 3690 theorem का मैंने है ना एक explanation video बना के छोड़ा हूं, मैंने link description में होगा, समझ गए, उसमें देख लेना। अगर आपको इसका भी चाहिए और कुछ further chapter का चाहिए, 5th chapter 6th chapter, तो आप मुझे comment करना, I will make that chapter. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos square theta is equal to 25 1 25 9 का 9 और 25 फिर नीचे आ जाएगा, तो दैट इज cos square theta is equal to 25 minus 9 16 और नीचे 25 का 25। अब क्या करो, आप रूट लगा लो, देखो जल्दी से बता रहा हूं क्योंकि MCQs है, क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डिटेल्स में इसका आइडेंटिटी लिख के बताऊंगा, ये कैंसिल कर देंगे, तो cos theta is equal to 4/5, तो जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा वो आपका आंसर रहेगा इसका, तो cos theta क्या निकलेगा इसका आंसर बेटा, समझ गए ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ को, तो आपको बताना है कि अगर देख लो भाई, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, ठीक है, तो एबी अपॉन डीई दिया हुआ है, तो क्या ईएफ किसके बराबर रहेगा, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, सिमिलरिटी का दे चुका हूं मैं, हाँ वीडियो आप देख लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ए बी शुरुआत का 2 शुरुआत के 2 के बराबर, बाद का 2 बाद के 2 के बराबर, तो यहां पे बीसी का रिलेशन किससे, ईएफ से, ईएफ का रिलेशन फिर किससे, बीसी से, तो तुम्हारे इधर पे क्या जाएगा बीसी, तो आ गया आंसर आपका बीसी, समझ ना। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो गया है, मतलब अपना एमसीक्यूज खत्म, टाइम इसलिए गया बेटा आपको इतना डिटेल में समझाना पड़ा है ताकि आप लोग, मैंने आप लोग का कम से कम 15 मिनट दिया होगा समझाने के लिए, लेकिन आप लेंगे सिर्फ 20 सेकंड लेंगे पूरा 4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा पूरा आखिर तक का,
ताकि आपको सारे मालूम पड़ जाने चाहिए ना भाई, ये है ऐसा, फटफट सॉल्व कर लेने का इसको, मन में फटफट कर देने का, ठीक है स्क्वायर है वो, गड़बड़ी करके आंसर आ जाना चाहिए आपका, फटफट लगा देने का इसको, समझिए। तो यहाँ पे अपना एमसीक्यू खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बी का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है जिसका एक साइड आपको बीडी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और एक साइड आपको डीसी दिया हुआ है 5 यूनिट। फिर बोला हुआ है इन द फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडीसी से डैश हो गया। फिर आपको बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ठीक है। मतलब अपने को बोला हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी बताओ कितना है। तो सिमिलरिटी चैप्टर अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको सीधा बताता हूं, अगर ये ट्रायंगल आपके सामने दिया हुआ है ऐसा और ये दिया हुआ है बी डी और सी और यहाँ पे ऐसा कुछ है, ये फिर ये 3 है, ये 5 है और यहाँ पे आपका पॉइंट ए है। अच्छा अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसके ऊपर एक ही फॉर्मूला लगता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, सोल्यूशन बता रहा हूं मैं सारे करने का, तो इसी तरह सोल्यूशन करने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल टू, कुछ सिमिलर होने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखना एक ट्राइंगल आपको ये वाला हिस्सा है ए डी बी और एक ट्राइंगल ये वाला हिस्सा है, तो इस ट्राइंगल का बेस क्या रहेगा बी डी, तो इसका बेस क्या रहेगा बेटा, फॉर्मूला क्या रहता है इसका, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, तो बेस 1 क्या है आपका बी डी, हाइट समझो इसका हाइट आप बनाते हो, समझो आपने इसका हाइट बनाया बेटा, समझो इसका कैसे नीचे कुछ गिर के हाइट आया इसका, समझ गए ना, उसको आप एच1 ही बोलते हो, अभी तक आपने कुछ बोला नहीं, खाली आपने बोला कि वो ए से हाइट बन के आया नीचे बेस पे गिरा, समझ गए ना। दूसरा दूसरा ट्राइंगल कौन सा, बीडीसी मतलब ट्राइंगल है एडीसी, वही आपके एडीसी बीडीसी, अच्छा बड़ा ट्राइंगल लिया गया इसमें बीडीसी, मैंने यहां पर गलत लिख दिया, यहां पर एडीसी रहेगा तो यहां पर बी एडीसी रहेगा, ठीक है, तो ऊपर एबीडी हो गया फिर एडीसी। इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसका बेस क्या रहेगा आपका बेटा डीसी और इसका हाइट भी कहां से गिरेगा ए से नीचे, तो समझाना ये है मुझे कि डी 90 डिग्री है ये बोला नहीं है, तो आप देखो हाइट मत ले लेना कि कॉमन हाइट है तो हटा देंगे, नहीं मेन समझना है क्या आपको, आपको समझना है कि देखो वो दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और दोनों का बेस सेम है तो दोनों का हाइट कैसा रहेगा, दोनों का हाइट भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा, समझ गया ना, दोनों का हाइट भी क्या रहेगा सेम रहेगा, तो एच टू का एच टू रहेगा, तो बी डी कितना आपका, बी डी है आपका 3, डी सी है आपका 5 और एच वन एच टू तो कैंसिल हो जाएंगे, रीजन क्या रहेगा इसके इधर पे सेम हाइट, सेम हाइट और आपका 3.5 रहेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, आंसर क्या आ जाएगा इसका 3.5 रेशियो के फॉर्म में लिख देना 3:5, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो किस तरह करना रहेगा, सेकंड क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्रॉ सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड इन रेशियो 2:3, ये जो क्वेश्चन है इसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, तो इसको आप छोड़ दो, इसका वीडियो लगेगा तो मेरे से बोल देना, आपको वीडियो बना दूंगा, इसके लिए सारे पार्ट्स लगते हैं बेटा, वो राउंड राउंड सब लगेगा तो उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एक आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और फिर बोला हुआ है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ साइकिल, फिर आपको जो उसके अंदर जो बना हुआ है जो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, आप डायग्राम समझ जाओ, थोड़ा सा अजीब ही बना दिया क्यों, देखो क्वेश्चन तो आ ही गया होगा ऐसा, और ये साइक्लिक एंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस ये आपको दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्यू आर एस, ये बताना है आपको कितना है, समझ गए, ये बताना है आपको कितना है, तो एंगल क्यू आर एस आपको बताना है कितना है, तो कैसे पता करेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी याद है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मतलब अपोजिट साइड सेम नहीं होता है, अपोजिट साइड सेम नहीं होता है, आप उसके दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट मतलब क्या, ये नहीं सप्लीमेंट मतलब पर्ची नहीं, सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री हो जाना, समझ गए, तो आप किस तरह लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे कि
क्यू पी आर एस, लिखने का तरीका बता रहा हूं, क्यू पी आर एस क्वाड्रिलेटरल, क्यू पी आर एस इज अ साइक्लिक, ठीक है ना। देयरफॉर पी एंगल पी सॉरी देयरफॉर एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या रहेगा यहां पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहां पर लिखेंगे सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, समझ गए, सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री। क्यूपीएस कितना है आपका 110 डिग्री, क्यूआरएस तो पता ही नहीं आपको ये बराबर किसके 180 के, इधर आएगा तो माइनस में दिखा जाएगा आपका एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल आपका क्यू आर एस कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो बड़ा इजी था तरीका, ऐसे ही लिखेंगे आप लोग, समझ अच्छे से ना, ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कॉपी कर लो पहले इसको। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला हुआ है कि जो 2 साइन थीटा है वो बराबर है 5 कॉस थीटा के, तो आप बताइए हमें ये 10 थीटा कितना होता है। कोई बात नहीं बता दो, एकदम आसान है, क्या करेंगे आपको एक बात बता होना चाहिए कि जो 10 थीटा होता है बेटा वो साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा होता है, एक रिलेशन होता है आपको याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन लिखा आपके सामने 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा, तो अगर मैं साइन थीटा के नीचे इसको उठा के लेके आ जाऊं तो साइन थीटा के नीचे ये उठ के आ गया नीचे, तो यहां पे अकेला कौन है अभी 5, तो उसके नीचे कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। आपने कॉस को उठा के इसके नीचे लेके आ गए इसके नीचे, तो अकेला कौन हो गया 5, दूसरे नीचे कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो आपका 10 थीटा क्या हो जाएगा 5/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे सो कॉपी कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 1 बी एंड होता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ए स्टार्ट करेंगे, समझ में आ गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 ए आपका क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द, अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आपके अंदर आपको आपके अंदर नहीं आपको बॉक्स दिखाई देगा, वो बॉक्स से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आपके सामने फिगर है, मैं खाली फिगर बना रहा हुआ, ये फिगर बन गया आपका ऐसा खाली फिगर, बस ये एकदम तैयार, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा रहेगा, ये बी है, ये आपका सी है, ये डी है, ये ए है, ये कितना है 6 है, और ये कितना दिया आपको 8 दिया, और आपको बोला हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी और सी निकालना है, ये निकालना है। इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम किया था, ठीक है। अब आपको बोला हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी हैव सेम बेस, मतलब सेम दोनों का बेस सेम है, ट्राइंगल अलग है लेकिन बेस सेम है दोनों का, ठीक है। तो फिर आपको बताने का है, देयरफॉर द एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग क्या, करस्पॉन्डिंग साइड, याद अच्छे से ना, इसमें साइड का रिलेशन बनता है, ये भी जो बनेगा 1/n से कुछ भी तो क्या होता है, साइड का रिलेशनशिप बनता है, वो हमेशा साइड के बराबर रहेगा, ठीक है। फिर आपको बोला हुआ है कि एरिया ऑफ, मतलब उस पहले बॉक्स के अंदर आपका क्या आएगा, पहले बॉक्स के अंदर आपका साइड आएगा, क्योंकि हम लोग साइड के रिलेशन लगाते हैं हमेशा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी और बी, ओके। तो ए बी अपॉन क्या रहेगा, शुरुआत का दो, तो यहां पे क्या आएगा आपका डीसी आएगा, समझ गए ना। ये मत देखो उसको काम का नहीं, इधर पे देखो बस, शुरुआत का दो के बराबर रहेगा, ये क्या रहेगा डीसी, तो ए बी डीसी के बराबर, बीसी सीबी के बराबर, तो देखो बीसी सीबी सीबी सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ, तो शुरुआत का दो बात का दो पहला आखिर वैसा, फिर सेम से वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 6 रहेगा, और डीसी कितना आपका, डीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, ओ 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, फिर यहाँ पे आपको दो बॉक्स बना हुआ है, काट के दिखाना है अपने को, तो 2 3 2 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी का आंसर यही है बेटा आपका, समझ सकते ना, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में जो क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऐसा, फिर आपको बोला हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बॉक्स, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग क्वेश्चन।
फिर आपको बोला हुआ डिवाइडिंग, जो भी लिखा हुआ है डिवाइडिंग इस टर्म बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन, डिवाइड करने बोला तो ये डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी डिवाइड हो जाएगा बेटा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या आपका वन, हम लोग आइडेंटिटी पढ़ाए नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहां पे भी क्या आएगा आपका वन आएगा। अब साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा आपका, इससे पहले बताया था मैंने आपको क्या होता है, वो टेन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहां पे आ जाएगा वन, और वन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपका आंसर है। एक बॉक्स यहां पर रहेगा, एक बॉक्स ये आपका आंसर है, मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये भी एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी आपका, ठीक है। तो आपको समझ गए कि आइडेंटिटी बना कैसे होगा, लगता है कॉस को डिवाइड करने से होगा होगा, और वो आइडेंटिटी कैसे बना होगा मालूम है, साइन डिवाइड करने से किया होगा, साइन अपॉन वन अपॉन साइन अपॉन साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट, और वन अपॉन साइन कोसेक, तो तीसरा आइडेंटिटी इस तरह मन पड़ गया ना, तो आपको दूसरा मन पड़ गया, तीसरा मन पड़ गया, ये क्वेश्चन इस तरह करना है। यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन एंड होता है, कॉपी करो उसको पहले। थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा है ना महीन क्वेश्चन है, महीन मतलब बड़ा, बिग क्वेश्चन है, देखते क्या क्वेश्चन है, बड़ा है तो क्या हुआ। इन द फिगर पढ़ो ध्यान से, टेंजेंट ए, टेंजेंट एट बी एंड सी, आपको सर्कल के ऊपर दो पॉइंट दिखने होंगे बी और सी, और उसके ऊपर टेंजेंट बना हुआ है, कहां से, ए से बना हुआ है, ठीक है। फिर आपको एक आपको बोला हुआ है कि जो एंगल बी ए सी हो गया आपका, वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। देन प्रूफ दैट कि जो बी जो तुम्हारा जो चौकोन बना है, चौकोन मतलब स्क्वायर, जो स्क्वायर बना है वो स्क्वायर नहीं, चार कोने वाले हो गया बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो जो आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, क्या नाम है उसका, बी ए सी हो बाको, उसको प्रूफ करना है कि स्क्वायर है। मैं आपको बाको बना के दिखाता हूं कैसा, ठीक है, ऐसा है, यहाँ पे सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे सी है, एक पॉइंट यहाँ पे बी है, ये खुद क्या है, ये ओ है, और यहाँ पे टेंजेंट आया है 90 डिग्री हो गई, क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो ओ सी बी ए ये क्या आपका इज अ स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करेंगे ना, प्रूफ देखते हैं क्या इन लोगों ने क्या प्रूफ दिया, वो देखो जरा, इन लोगों ने लिखा है इन ट्राई इन क्वाड्रिलेटरल बी ए सी को, तो इन क्वाड्रिलेटरल बी ए सी ओ, ठीक है, इसकी बात कर रहे हो, बोल रहे हैं कि जो एंगल ओ बी ए और एंगल ओ सी ए ये दोनों 90 डिग्री है, और रीजन आपको लिए बनाए, आपको बोले रीजन आप लिख के दिखाओ मेरे को, तो मैं आपको रीजन लिख के दिखाएंगे। देखो ओ बी ए 90 डिग्री, ओ सी ए 90 डिग्री, रीजन क्या है इसका, बोलो बोलो बोलो, टेंजेंट थ्योरम याद आया, टेंजेंट थ्योरम नहीं याद आ रहा है, याद करो, अगर रेडियस किसी भी टेंजेंट के ऊपर गिरता है तो 90 डिग्री बनाता है, समय टेंजेंट थ्योरम ही होता है कि अगर एक टेंजेंट आपके सामने गया, टेंजेंट चलेगा उसके ऊपर कोई भी रेडियस गिरेगा तो 90 डिग्री का रहेगा, टेंजेंट के ऊपर रेडियस जो गिरता है वो 90 डिग्री का रहता है, बात क्लियर हो गई, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो 90 तो भी 90 रहेगा, लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा, क्या करें छोड़ो। और एंगल बी ए सी है वो भी 90 डिग्री है, लेकिन वो तो गिवन बात है, तो जो आसान है उसने खुद ही कर लिया, जो मुश्किल है तुमको बता दिया, लेकिन तुमको मालूम पड़ गया कि टेंजेंट थ्योरम रहेगा। फिर आपको बोला हुआ है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या, और रीजन यहां पे दिया हुआ है रिमेनिंग एंगल, तो अगर ये 90 ये 90 ये 90 तो ये भी कितनी रहेगी बेटा 90 डिग्री रहेगी। अब रिमेनिंग एंगल का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल साइड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360 होता है, तो ये भी 90 रहेगा तो 360 हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 90 ये भी रहने वाला रहेगा, ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। तो आपका एंगल बी ओ सी भी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, तो ये तो बात प्रूफ हो गया कि ये हो गया स्क्वायर का, तो खानदान के अंदर आ गया, अभी भी स्क्वायर नहीं हुआ बेटा, स्क्वायर से पहले रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल के भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब हम लोग को एक और बात प्रूफ करना है कि ये सब एंगल एंगल सेम है, जब एंगल एंगल सेम आ जाएगा तो तुम्हारा सेम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें बोला हुआ है कि therefore quadrilateral B A C O is क्या, ठीक है, by definition
डेफिनेशन के हिसाब से अभी क्या बन गया? अगर अभी तो प्रूफ नहीं हुआ है ना कि अभी ये स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ है, तो अभी क्या हो गया ये समझ गए? जैसे कि ये आपने बता दिया कि 90 डिग्री हो गया, ये सब 90 डिग्री हो गए, तुरंत अभी नहीं बोल सकते आप लोग क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो अभी क्या बोलेंगे? देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बी ए सी ओ इज अ व्हाट? इज व्हाट? इज अ रेक्टेंगल, आप प्रूफ करो उसको अभी फिलहाल, समझ गए? मतलब आपका बी ए सी ओ क्या रहेगा? आपका रेक्टेंगल है, समझ गया ना? या आप ऐसा बोल दो, इसको इरेज करके इसका सबसे परफेक्ट वर्ड रेक्टेंगल ही बोला था, तो रेक्टेंगल ही ठीक है, क्योंकि पहले 90 डिग्री के सब केस में रेक्टेंगल आता है, तो आपका बी ए सी ओ क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। फिर आपको बोला हुआ है कि तुम्हारा जो एबी और एसी बराबर है, एबी और एसी बराबर क्यों है? एबी और एसी भी बराबर दिया हुआ है, इसका रीजन बताने बोल रहे हैं। तो इसका रीजन क्या रहेगा? देखो एबी और एसी बराबर है, और ये भी बराबर रहेंगे क्योंकि सेम रेडियस हो गए। ओबी और ओसी तो बराबर रहेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि सेम रेडियस हो गए। तो तुम्हारा एबी और एसी बराबर क्यों रहेगा? एबी और एसी बराबर इसलिए रहेगा क्योंकि इन लोग सेम टेंजेंट से आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, यहां पे वही लिखेंगे आप लोग, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, लिख देता हूं इधर पे, टेंजेंट फॉर्म बाय यूनिक पॉइंट, समझ इससे ना? देयरफॉर फिर आपका एबीसी इज अ रेक्टेंगल, फिर आपको बोल देते हैं कि तुम्हारा प्रूफ हो गया। तो ये तुम्हारा इसका प्रूफ था, समझ में आएगा जैसे ना? पहले टेंजेंट थ्योरम था, फिर 90 हुआ, फिर रेक्टेंगल, जस्ट बताया तुम लोगों की अगर 90 डिग्री हो जाए तो ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है वो, पहले स्क्वायर पहले रेक्टेंगल होता है वो, मतलब सारे 90 डिग्री वाले खानदान के अंदर, सारे 90 डिग्री वाले खानदान के अंदर सबसे पहले तुम्हारा रेक्टेंगल आता है, क्योंकि वो सबसे पहले आता है, बस आता है वो पहले, फिर बाद में तुम्हारे स्क्वायर रोम्बस सारे आएंगे। तो फिर ये तुम्हारा प्रूव होता है क्वेश्चन नंबर 3। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 बी करते हैं, इसको पहले अच्छे से कॉपी कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 बी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बी का पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रिमेनिंग साइड 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आपके सामने बोला है कि हाइपोटेनस निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, नाम दे दो उसको, कोई भी नाम दे दो उसको, ए पी सी, 90 डिग्री हो। फिर आपको बोला है कि ये निकालना है आपको, और आपको ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 9, एक दिया हुआ 12, तो ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल लेट, बोलेंगे लेट, क्योंकि इस हम लोगों ने खुद से दिया है ना, इसे लेट बोलेंगे, लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है? जो तुम्हारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर लेना पड़ता है कि नहीं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेनस क्या है? क्या है? बीसी, मतलब बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 के आपका एबी, एबी का स्क्वायर, यहां पे क्या रहेगा आपका एसी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर नहीं पता तो उसको बीसी का स्क्वायर रखो, एबी का स्क्वायर मतलब क्या, 12 का स्क्वायर, यहां पे 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, प्लस करने पे कितना आ जाएगा आपका, अगर आप उसको प्लस कर दो तो आ जाएगा कितना, प्लस कर दे तो 144 81 225, तो 225 आ गया। तो तुम्हारा बीसी स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे, बीसी स्क्वायर 225 आ गया। रूट लगा लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड लिख दे रहे यहाँ पे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट लगाने पे तुम्हारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या बचेगा, बीसी इज इक्वल टू 225 का रूट क्या होता है बेटा, 15 होता है, तो तुम्हारा बीसी आएगा 15। देयरफॉर हाइपोटेनस ऑफ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर या 15 यूनिट या 15 डॉट,
यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर वन होता है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, पहले इसको अच्छे से देखो।